दोस्तों, अगर आप तेल का व्यवसाय करना चाहते हैं, ऑयल मिल बैठाना चाहते हैं और पैसे का अभाव है, कम पूंजी में शुरू करना चाहते हैं, तो आज की जानकारी काफ़ी खास रहने वाली है। एक छोटे से मशीन ऑयल मिल की आपको जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है, जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी इसी मशीन के ऊपर रहने वाली है कि क्या इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितने पैसे में ये मशीन आपके पास पहुंच जाएगी, कितना तेल निकालती है, कौन करती है, कंप्लीट जानकारी दोस्त आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कंपनी में। तो जो आज जानकारी मिलेगी आपके द्वारा हमारे किस भाइयों को, ये छोटा सा ऑयल मिल है, इसके विषय में, तो इस मशीन की जो क्या खासियत है सर, वो हमारे भाइयों के बीच लाइए। देखिए, यह मशीन वैसे भाई के लिए है जिनके पास बजट बहुत ही कम हो, जिनके यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या होती है, जगह का भी अभाव हो, और जिनके पास जगह का अभाव है, वैसे भाई के लिए यह मशीन है। मशीन नहीं, वरदान है, ठीक है, वैसे भाई के लिए है। तो ये जो मशीन है, ऑयल मिल है सर, तो इस मशीन के माध्यम से कौन कौन से तेल की पिराई होती है? जो कि सब मशीन में पिराई होती है, वही प्रोडक्ट इसमें भी पिराई होगी। आप मूंगफली कर लीजिए, सूरजमुखी कर लीजिए, सरसों कर लीजिए, बहुत जगह तोरी, राई, जो भी कहते हैं, सब इससे आसानी से आप पिराई कर सकते हैं। सब चीज़ की पिराई करने में सक्षम है, तो इसके विषय में कुछ टेक्निकल जानकारी हमारे भाइयों को दीजिए ना। देखिए, यह मशीन जो है रफ एंड टफ है, इसमें जो है आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। जिनके पास जीरो नॉलेज नहीं है, वैसे भाई भी इस मशीन को आसानी से चला लेंगे। कोल्ड प्रेस है या बोल्ट है, क्या है क्या नहीं है, इस पर कुछ बताइए सर। ना यह कोल्ड प्रेस है ना बोल्ट है। कैसा है सर, क्या है इसमें? यह दोनों का जो है मिश्रण है, ठीक है, कंबाइंड है। अभी कोल्ड प्रेस के नाम पे लोग लूट मचा रखा है, क्योंकि कोल्ड प्रेस आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। यह मेरा खुला चैलेंज है। तो कोल्ड प्रेस मशीन आती कहाँ से है सर? कोल्ड प्रेस मशीन जो है वह चाइना और वियतनाम से आती है, इंडिया में नहीं बनता है। इंडिया नाम का ठप्पा भी इंडिया में लगाते हैं लोग, सिर्फ इसका कवरिंग करते हैं और अपने नाम का लेबल लगाते हैं। तो ये जो मशीन है सर, ये भी वियतनाम या चाइना की है या आपका प्रोडक्ट है ये? ठीक है, यह जो है यह ना वियतनाम की है, ना चाइना की है, ना जापान की है, ना भूटान की है। यह 100% इंडियन माने भारतीय कंपनी है, मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया, हम मेड इन इंडिया पे ही भरोसा रखते हैं। चलिए, अच्छी बात है सर। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहने वाली है इसकी, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी है, बिजली की खपत कितनी होती है, इसके विषय में हमारे भाइयों को बताइए। इसमें कंडीशन पे है 30 से 40 केजी आपको आसानी से प्रोडक्शन इसकी होती है। सर, आपने बताया कि 30 से 40 किलो प्रोडक्शन, तो इसमें 30 से 40 किलो राई डलाएगा या फिर 30 से 40 किलो तेल निकलेगा? नहीं, 30 से 40 केजी राई डलाएगा, और डिपेंड करता है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत जो है आपको कम जाएगा। ज़्यादा या कम हो सकता है? ज़्यादा कम होगा। तो इसमें जो इस्तेमाल होगा सर मोटर, आपने शुरू में ही आपने हमारे भाइयों को बताया कि सिंगल फेज की मोटर इस्तेमाल होगी, तो मोटर की कैपेसिटी क्या होगी सर? मोटर आप 5 HP का सिंगल फेज से इसको आसानी से चला सकते हैं। अगर 5 HP ना हो तो 3 HP भी चला सकते हैं सर? 3 HP भी चला सकते हैं। मेरे पास आज जो अभी सामने देख रहे हैं, यह 20 पत्ती की मॉडल है। अच्छा, इसमें मेरे पास लगभग 12 पत्ती से स्टार्ट है, 12 पत्ती, 16 पत्ती, 20 पत्ती, 24 पत्ती, 28, 32, 64 तक। वीडियो में एक मशीन जरूर दिख रहा है, लेकिन आपको जितने पत्ती की जितने की कैपेसिटी की मोटर पे चलाना है, सब मेरे पास अवेलेबल है। तो आपने बताया कि भारत में और सारे मॉडल का एक एक करके आपके चैनल पे वीडियो हम डालेंगे। अभी तो मशीन दिखा रहे हैं, अगली वीडियो में आपको डेमो भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे एक एक करके। तो आपने सर एक बात बताया था शुरू में कि भारत में सबसे सस्ती जो ऑयल मिल है हम ही लोगों को देंगे, तो लगे हाथ सर कीमत भी खोल दीजिए ना। कीमत अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि कीमत में थोड़ी सी मजबूरी है, अगली वीडियो में हम खोल देंगे। अभी बहुत सारे कंप्यूटर जो है परेशान कर रहे हैं, इसलिए सॉरी। जो वीडियो में नंबर दिया हुआ उस पर कॉल कीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया में जो रेट है उससे सस्ती मेरे यहाँ रेट है। यानी कि एक हिंट सिर्फ दे रहे हैं कि हर जगह आप भटक लीजिए, कहीं भी जाना हो 10-5 कंपनी में चले जाइए, इस मशीन के विषय में इंक्वायरी ले लीजिए, अगर वहाँ से यहाँ पर सस्ता मिले तो यहाँ से खरीदिए, नहीं तो भैया कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। क्यों सर? और एक चीज़ और, जो आपके चैनल पे नए हैं वह इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द इसी का एक अद्भुत मॉडल बना के आपके सामने पेश करेंगे। क्या है सर उसमें? एकदम उस मशीन को जहाँ आप चाहिएगा, इसको तो उठाने में परेशानी है, उसको जहाँ जैसे चाहिएगा लेकर चले जाइए, खिलौना समझ के।
एक छोटी सी बात है सर, इसमें छोटी सी मशीन है सर, वैसे भाई जिनके पास पैसे का अभाव है ये मशीन परचेज कर सकते हैं, चलिए जगह का अभाव वो भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर ये क्या इसके लिए फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी या ऐसे ही रख कर काम कर सकते हैं? देखिए फाउंडेशन करना पड़ेगा, इसमें फाउंडेशन बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर कोई व्यूअर को, आपके व्यूअर को नहीं पता है फाउंडेशन कैसे होगा क्या होगा, वो हमको बोलेंगे, हम उनको फाउंडेशन करके देंगे। चलिए एक चीज़ और है, अभी जो देख रहे हैं यह मशीन, इससे भी छोटा मशीन, अगर आपके व्यूअर के पास पैसा नहीं है तो इससे भी छोटा मशीन मेरे पास 16 पत्ती और 12 पत्ती में भी स्टॉक है। क्या सर, आप तो हद कर रहे हैं, ये तो ऐसी छोटा मशीन है, इससे भी छोटा मशीन ला रहे हैं आप? बिल्कुल, आप मान लीजिए कि आपके पास 150,000-75,000 रुपया नहीं है तो आप 30-40-45 हज़ार लगा के भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे भाई हैं जिनके पास 2 HP 3 HP की मोटर फेंकी हुई है या कहीं अगल बगल में पुराना पड़ी हुई है, 2-4 हज़ार में खरीद के उस मशीन को अगर स्टार्ट कर लेंगे तो उस मशीन से भी 1,000-1,500 रुपये आप आसानी से 2,000 तक कमा सकते हैं प्रतिदिन। एक और सवाल सर मन में उठ रहा है, सोचे मैं आपसे पूछ लूँ, आपने तो मना कर दिया कि भाई रेट अभी नहीं खोलेंगे, जो भाई इंटरेस्टेड होंगे आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे और उनको बताएंगे। लेकिन सर अगर कोई भाई हमारे शुरू करना चाहता है तो एक मोटा मोटी एक रेंज बता दीजिए सर कि कितने पैसे में तेल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं इस मशीन के साथ? आपके पास अगर बजट नहीं है तो मात्र 50,000 के अंदर में मशीन के साथ आप मोटर के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 50,000 में? 50,000 में। और आपको बता रहे हैं जो कि 40,000-50,000 रुपया आप लगा रहे हैं तो उसमें हमने पहले बताया कि 1,000-2,000 रुपया प्रतिदिन कमाइएगा, तो ये हमको पता है, कमेंट में आ गया ये खुद क्यों नहीं चलाते हैं, तो हम आपको ये भी प्रूफ कर देते हैं कि आप कैसे कमाइएगा 2,000 रुपया। कैसे कमाइएगा सर वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, एक एक चीज़ करके आपके दर्शक को बताएंगे, ऑन पेपर बताएंगे, ज़मीन पे बताएंगे। अगर आप दिल्ली पंजाब मद्रास जाते हैं तो कितने घंटा जॉब करते हैं? 8 से 12 घंटा। 8 घंटा ही स्टैंडर्ड मान लेते हैं। आपकी सैलरी कितनी मिलती है? 10 से 15 हज़ार। 10 से 15 हज़ार खाते खाते कितना बचा लेते हैं? 5 से 7 हज़ार। 5 से 7 हज़ार। अब चलिए यह बिजनेस आपको कहाँ करना है? घर में अपने परिवार के साथ रहकर, अपने बीवी बच्चे माता पिता अपने रिश्तेदार के साथ रहकर आप कर रहे हैं। इस मशीन को ज़्यादा नहीं चलाना है, 6 घंटा इस मशीन को चलाना है। इसकी बात छोड़ दीजिए, इससे छोटी मशीन में आ जाइए, मात्र 6 घंटा चलानी है उसको। 6 घंटा चलाना है। अगर आप 6 घंटा चलाते हैं तो आपको 12 पत्ती की अगर लेते हैं तो घंटे की आपको 4 से 5 kg तेल निकाल के दे रही है, 5 से 7 kg, ठीक है? तो 7 kg निकाल के दे रही है तो 7 kg 6 घंटा से कितना kg हो गया? 42 kg। 40 kg तेल आप आसानी से जो है 6 घंटे में निकाल रहे हैं। मार्केट में अभी तेल का रेट क्या है? लगभग अगर 120-125-30 ब्रांडेड जो कंपनी अच्छी कंपनियां हैं उसका 40 से 50 तक है। हाँ। और अगर आप किसी भी तेल मिल के पास जाते हैं, तेल अगर सामने में सरसों डलवा के निकलवाते हैं तो आज के डेट में वह 165 और 170 देती है। पटना में 210 है सर, यहाँ देहात की बात करते हैं, 170 रुपये देती है। तो ब्रांडेड कंपनी 120 दे रही है, आप अगर 170 देते हैं तो ब्रांडेड कंपनी भी बेनिफिट लेकर बेच रही है। बिल्कुल। और आप उससे 50 रुपये kg एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 42 kg तेल को अगर 50 रुपये kg से आप जोड़ लीजिए तो कितना बच रहा है? 2,000 रुपये महीने का 60,000 रुपये हो रहा है। उसमें से भी 10,000 आप उड़ा दीजिए, 50,000 रुपया। यह बिजनेस जो है 100% पैसा वसूल है, वो भी मात्र 30 दिन के अंदर। यानी कि 30 दिन के अंदर जो भी भाई हमारे पूंजी लगाएंगे उनका वापस हो सकता है, बशर्ते कि सही दिशा में अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएं। क्यों सही नहीं करेंगे, हम दिल्ली पंजाब मद्रास जाएंगे दूसरे कंपनी के लिए, दूसरे मालिक के लिए 8 से 12 घंटा हम ड्यूटी करेंगे और हमको खुद जब मालिक बन रहे हैं तो उस स्थिति में हमको 16 घंटा करना चाहिए। बिल्कुल। अगर 16 घंटा नहीं करते हैं तो 8 घंटा भी अगर ईमानदारी से करेंगे तो महीने का 50,000 रुपया कहीं नहीं जाने वाला। और भी लोग कहेंगे कि बिजली बिल नहीं लगेगा, रूम रेंट नहीं लगेगा, तो अभी आपको जोड़ के बताए हैं 62,000 रुपया, तो उसमें 10 से 12 हज़ार रुपया आपकी बिजली बिल भी है, आपका मजदूरी भी है, आपका रूम रेंट, क्योंकि आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो रूम रेंट होना ही नहीं है, आप अपने घर से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और
मार्केटिंग की बात तो सर ने आपको बताई और सही बात है दोस्त, अगर आप शुद्ध सामान ग्राहकों को देंगे तो निश्चित है कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं ना उसी से भी 20 30 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं, और लोग देंगे आपको, लाइन लगा कर लेने आएंगे कि भाई नहीं वाकई यहाँ पर शुद्ध सरसों तेल मिल रहा है, शुद्ध सूरजमुखी का तेल मिल रहा है, शुद्ध नारियल का तेल मिल रहा है, तो आसानी से आपको यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। सेल का कोई टेंशन नहीं है, कभी ये ख़राब जल्दी नहीं होता है, आज पेर लीजिए एक महीना के बाद दो महीना के बाद भी अगर आपकी बिकती है तो कुछ रेट ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्यों सर? और क्लियर हो लीजिए, पहले आज से 5-7 साल पहले जो लोग था, 10 साल पहले मान लीजिए, लोग मार्केट में जाता था तो सस्ती सामान खोजता था, लेकिन यह बिल्कुल चेंज हो गया, उल्टा हो गया है सर। इस 5-7 साल में जो है लोग 100% शुद्ध खोज रहा है, कीमत जो भी हो, कीमत जो भी हो, जो भी हो, हर कोई जो है शुद्ध खोज रहा है। तो वैसे स्थिति में आपका ये सर जो बिजनेस है, जो आप अपने गली मोहल्ले गांव में रहकर कीजिएगा तो 100% आपके जीवन का वरदान साबित होने वाला है। बिल्कुल सर, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं लगभग कच्ची घानी की अगर बात करें तो लगभग 130-135 के आसपास में प्रति लीटर बेचती है, और पटना में अगर सामने और सरसों तेल की पिराई की बात करें तो लगभग 210 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलेगा, फिर भी वहां पर लाइन लगा हुआ है, तो खरीदने वाले की कोई कमी नहीं है। इस तरह का बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो कहीं भी आप कर सकते हैं, कहीं शोरूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर से इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और सर ने बताया कि मात्र 50,000 आपके पैकेट में होगा तो इस बिजनेस को सुचारू रूप से आप चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं पर डे 2,000 के हिसाब से। तो सर ये मशीन कहाँ कहाँ आप प्रोवाइड करा देंगे? ये मशीन हम ऑल ओवर इंडिया किसी भी गांव, किसी भी कोने, किसी भी मोहल्ला में आसानी से उपलब्ध करा देंगे। गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है सर? जैसे कि हर मशीन की हमारी वारंटी 1 साल की होती है, इसी तरह इस मशीन की वारंटी जो है 1 साल की हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे भाइयों को मिली। तो दोस्तों आपने सुना इस मशीन की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट टेक्निकल जानकारी देने की कोशिश की है सर के द्वारा, तो ऐसी जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माइंड चैनल के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।